गर्भावस्था एक ऐसा दौर है जहां मां की चिंताओं का कोई अंत नहीं होता। महिलाएं हमेशा चिंता ग्रसित रहती हैं कि उनका आने वाला बच्चा स्वस्थ है या नहीं। बच्चे के स्वस्थ का पता उसके किक मारने से भी लगाया जा सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बेबी किक से जुड़ी कुछ बातों का जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको थोड़ी भी कम नॉलेज है या फिर आप कोई गलती करती हैं तो आपके शिशु के लिए और आपकी गर्भावस्था के लिए भारी पड़ सकती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपको इस चैनल में मिलेगी केवल और केवल प्रेगनेंसी से जुड़ी ढेरों वीडियो, जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। गर्भवती महिलाएं अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार करती हैं। जितनी खुशी उन्हें बच्चे का इंतजार करने में होती है, उतनी ही खुशी बच्चे के पेट पर लात मारने पर भी होती है। महिलाएं बच्चे के किक करने का इंतजार करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ बच्चा पेट में काफ़ी हलचल करता है और जिस हलचल को महसूस करने के लिए माँ लंबा इंतजार करती हैं। कई बार जानकारी के अभाव में महिलाएं इस इंतज़ार को चिंता में बदल लेती हैं। गर्भवती महिलाएं चिंता करने लगती हैं कि उन्हें बेबी की क्यों महसूस नहीं हो रही या उनका बच्चा लात क्यों नहीं मार रहा। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चा पेट में लात मारना कब शुरू करता है और बच्चा जब पेट में लात मारता है तो उसकी कितनी गिनती होती है, यानी कितनी बार हलचल करता है एक दिन में। वैसे तो गर्भावस्था के शुरुआती चरण में यानी 9वें हफ्ते से ही बच्चा हलचल करना शुरू कर देता है, लेकिन बच्चा इतना छोटा होता है कि उसकी हलचल सिर्फ एक फड़फड़ाहट की तरह महसूस होती है। लेकिन 16वें हफ्ते के बाद बच्चे के किक को अच्छी तरह महसूस कर सकती हैं, यानी कि 5वें महीने के दौरान गर्भवती महिलाएँ बच्चे की किक को महसूस कर सकती हैं और 24वें हफ्ते के बाद बच्चे की लात मारने के साथ साथ उसकी हिचकियों को भी महसूस कर सकती हैं गर्भवती महिलाएं। डॉक्टरों के मुताबिक 28वें हफ्ते के बाद बच्चे के किक मारने की गतिविधि पर गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान देना चाहिए। बच्चा कितनी बार लात मार रहा है उसकी गिनती की जानी चाहिए। डॉक्टरों के अनुसार 2 घंटे में कम से कम बच्चे की लात मारने की गिनती 10 तक होनी चाहिए। आखिरी के महीनों में बच्चे के लात मारने की गिनती कम हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे आखिरी महीना आता है तो वैसे वैसे गर्भ में जगह कम पड़ने लगती है, बच्चे का विकास ज़्यादा हो जाता है जिस कारण बच्चा ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता। तो ऐसे में आपको 8वें महीने के बाद 9वें महीने में या 8वें महीने के अंत में आपको बच्चे की जो हलचल है काफ़ी कम महसूस होगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये नहीं करना कि आपको हर बार गिनना है, हर 2 घंटे में आपको 10 बार गिनती गिननी है कि बच्चा 10 बार किक मार रहा है कि नहीं मार रहा। कहने का मतलब है कि आपको पूरे दिन में बच्चे की प्रॉपर हलचल महसूस होनी चाहिए, और अगर आपको किसी कारणवश बच्चे की हलचल कम महसूस होती है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार बच्चा स्लीप मोड में हो सकता है तो भी आपको बच्चे की हलचल कम महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप खाली पेट हैं तब भी आप महसूस करेंगे कि बच्चा कम हलचल करता है, तो ऐसे में आप कुछ खा सकती हैं या ठंडा पानी पी सकती हैं या मीठा खा सकती हैं। अगर आप बैठी हुई हैं तो आप कुछ कदम चलना शुरू कर दें तो भी आपको महसूस होगा कि बच्चा हलचल करना शुरू कर देगा। इसके अलावा किसी कारणवश आपको 24 घंटे तक बच्चे की हलचल बिल्कुल महसूस ना हो, आपको लगे कि बच्चा आपका बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा, तो ऐसे में आपका चिंतित हो जाना लाजमी है। तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से खुलकर बात करें और डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, हो सकता है अन्य चेकअप भी करेंगे जिससे आपके बच्चे की स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कम हलचल कर रहा है तो आप कोशिश करें बाई करवट में ज़्यादा देर सोएं। बाई करवट में लेटने से क्या होता है, बच्चे को प्रॉपर तरीके से रक्त का संचार और ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, जिससे बच्चा पूरी तरह से एक्टिव रहता है, बच्चा प्रॉपर तरीके से हलचल करता है। इसके अलावा अगर आप हाइड्रेट नहीं हैं यानी आपके शरीर में पानी की कमी है तो भी बच्चा सुस्त हो सकता है, तो ऐसे में आप लिक्विड पी सकती हैं, पानी पी सकती हैं या कोई भी तरल पदार्थ या जूस या कुछ भी ऐसा पी सकती हैं जिससे आपका शरीर हाइड्रेट हो जाए और आपको पानी की कमी ना हो और आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से हलचल करे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।